नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही होगी आप सब। बस थोड़ा सा इंतजार, नहीं तो फिर बाकी सब बेकार। ठीक है, तो बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से, और आज हम लोग फिर से, कहते नहीं, फिर से हुंकार हो, नई ललकार हो, फिर चमत्कार हो, समझ गए? तो वही कहानी है हमारे साथ। तो फिर से हुंकार हो, नई ललकार हो, कोई बात नहीं। इतने दिन तक आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, मैं थोड़ा सा दूर रहा, कुछ कारणवश कुछ प्रॉब्लम्स थी या कुछ मजबूरियां थी जिसके वजह से हम लोग नहीं मिल पा रहे थे और नहीं पढ़ पा रहे थे मैथमेटिक्स। और आप लोग को लग रहा था, अरे इंसान चला गया, खत्म हो गया, अब नहीं आएगा, अब दिखेगा ही नहीं दुआ। लोगों ने तो क्या क्या बातें बोल दी यार, ये पढ़ाएगा ही नहीं, अब गया, ये खत्म नहीं पढ़ेंगे भाई। बहुत ये जो मतलब होता है ना कि हाँ एक है तो वो जाएगा कैसे। ठीक है, तो हाँ मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में हम लोग आज सीखेंगे, आज से सीखेंगे रेगुलर। हाँ, इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि रेगुलर वीडियो आएगी, लेकिन हाँ इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ अब वीडियो आती रहेगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और काफ़ी दिन तक हो सकता है रहना पड़े, ऐसी चीज़ें कुछ चलेंगी, क्या होगा कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ ये है कि मैं पढ़ाता रहूँगा, आप लोग का वीडियो आता रहेगा किसी भी हालत में। ठीक है, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, SSC की, बैंक की, PO की, है ना? तो वो वाला डायलॉग याद आता है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कि दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सब तरह के एग्जाम, जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं उन सब के हम लोग यहाँ पे पूरी की पूरी मैथमेटिक्स बजा के रखते हैं एकदम, है ना? पूरा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज, पेपर, जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने तरह से क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं किसी भी टॉपिक पे। और हाँ ऐसे नहीं पढ़ेंगे ऊपर ऊपर के, हाँ, नहीं, ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे एकदम डूबे जा रहे, नहीं, ये भी नहीं करेंगे। वो जो धागा होता है ना, धागा, धागा देखा, तो धागे में बहुत सारे रेसे होते हैं, तो वैसे रेसे को हम निकाल निकाल के पढ़ने वाले हैं एक एक टॉपिक के, बहुत ढंग से, बहुत कायदे से, बहुत एकदम सुनने तरीके से। तो एक एक टॉपिक कवर करेंगे। पहला चैप्टर है अपना प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, तो हम लोग उसको पहले पढ़ेंगे। उसमें भी आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, दो ही नंबर पढ़ेंगे। 10 से 15 मिनट का लेक्चर होने वाला है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं रखेंगे। 10 से 15 मिनट में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे नेचुरल नंबर में कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये होता कहाँ से, कैसे आया, कौन लाया, ये हमारे मतलब जंजाल टाइप का है, समझ ही नहीं आता नेचुरल नंबर। अच्छा किताबों में इतना गंदा लिख देते हैं ना कि मतलब लोगों को लगता है कि अच्छा ऑल काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। अच्छा -1 काउंटिंग नहीं है, -2 काउंटिंग नहीं है, काउंट कर सकते हैं ना कि हाँ इसके पास से मुझे 2 रुपए लेने हैं, तो -2 हुआ कि नहीं हुआ, तो काउंटिंग नहीं है, 0 काउंटिंग नहीं है, 0 कुछ नहीं मतलब 0, तो 0 भी तो काउंटिंग हुआ। तो फिर ये कैसे लोग लिख देते हैं यार, आज तक मुझे समझ, ऑल काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर, नहीं लिख सकते भाई। अच्छे अच्छे राइटर लिखते हैं बट मुझे नहीं समझ में आती ये चीजें। ठीक है, पहली चीज, हाँ काउंटिंग नंबर का मतलब होता है जो गिना जा सके, जिनको गिनना पॉसिबल है। कह रहे थे माइनस को गिनना पॉसिबल, क्यों नहीं गिनना पॉसिबल है? किसी से उधार लेना है वो माइनस है ही नहीं, वैल्यू तो माइनस में है ना। किसी को मुझे देना है 20 रुपए, मैं उधार लेके रखा हूँ, तो मैं माइनस में हूँ कि नहीं 20 रुपए, तो -20 आएगा कि नहीं आएगा, फिर वो काउंटिंग नहीं की जा सकती। बात समझ में आया ना? ऐसे नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, उनकी विचारधारा है, क्या लिखते हैं कैसे लिखते हैं। हालांकि मैं जहाँ से बात करता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई साहब हम लोग नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर, अच्छा क्या नेचुरल नंबर, क्या प्राकृतिक, प्रकृति, भगवान ने उतारे, ब्रह्मा फेंक रहे थे इसे वहां से, लिए ले भाई, ये ले 1, ये ले 2, ये ले 3, ऐसे नहीं है ना, वो आसमान से ऐसे ऐसे फेंके जा रहे थे क्या, ऋग्वेद यजुर्वेद जैसे कि ले 1 2 3 ऐसे फेंक रहे, नहीं ऐसा नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं है, वो हैं जिनको हमने एडॉप्ट किया है,
जिनको हमने स्वीकार किया है कि अच्छा कोई आइटम वन होगा, कोई आइटम एक सिंगल पीस में होगा तो उसे हम वन बोलेंगे, ठीक है। अगर वही आइटम एक साथ दो चीज मतलब वही आइटम साथ में रखा हो दो पीस, ठीक है, एक सिंगल पीस इधर एक सिंगल पीस इधर, तो उन दोनों को एक साथ मिला करके टू बोलेंगे। इसी तरीके से और रखे हो तो उनको ऐसे जो है वन वन ऐड कर करके हमने वन टू थ्री फोर से नाइन तक बना लिया। उसके बाद नाइन के बाद समझ नहीं आ रहा था कि यार कौन सा नंबर आएगा। फिर हमारे आए आर्यभट्ट साहब, ठीक है, बहुत जाने पहचाने आदमी, वो आए हजारों साल पहले आकर के हमें शून्य देके चले गए। क्या देके चले गए? शून्य, जो कि होल नंबर के अंदर कंसीडर किया जाता है। अब नाइन के बाद क्या आना चाहिए था किसी को समझ ही नहीं आ रहा था, तो वन से पहले एक इंसान आ गया शून्य, कुछ नहीं। अगर मेरे पास एक पेन है, एक के पहले कोई पेन नहीं जीरो, एक के बाद अभी कुछ है क्या मेरे हाथ में, सब नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक के पहले वाली चीज बता दी क्या, जीरो। और अगर हमने एक के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जीरो लगाया तो ये वन पढ़ा जाएगा, राइट हैंड साइड में लगाया तो ये टेन पढ़ा जाएगा, ठीक है। कैसे समझते हैं एक एक चीज को ढंग से। तो जब उन्होंने शून्य हमें दे दिया तो हमें ये पता चला कि क्या नाइन के बाद क्या आएगा, टेन। और टेन एक तरह का क्या होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है। उसके बाद फिर इलेवन, इलेवन किससे मिला, दो वन वन के मिलने से, दो वन और वन के मिलने से, मतलब कॉम्बिनेशन सेट कर दिया हमने, वन और वन का कॉम्बिनेशन सेट किया तो इलेवन आया। अच्छा वो ऐसा नहीं होता कि वन वन जोड़ दिया तो नहीं, वो अलग चीज है यार, उससे गलत चीज है वो, उसको समझना तो बेवकूफ जैसे बात करते हैं ना कि वन वन इलेवन, नहीं ऐड नहीं कर रहे हम, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। कॉम्बिनेशन और एडिशन दोनों अलग चीज है, ठीक है, कॉम्बिनेशन समझते हैं। तो जैसे मैंने नेचुरल नंबर स्टार्ट किया तो लोग कहते हैं कि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, बहुत अच्छी बात है, टू होता है अच्छी बात है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये सब आपने ढंग से सीखा है ना, एकदम बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ, सबको याद है कि हाँ वन से नाइन तक नेचुरल नंबर होता है, इसमें क्या नई बात है सर, नई बात यह है ना जब क्वेश्चन बनेगा तब खोपड़ा खराब हो, ठीक है। चलिए तो पहली चीज, पहले आप अकेले थे, मस्ती से आराम से चलते थे, रोड पे घूमते थे, है ना, चाय सुट्टा मारते थे, एकदम टेंशन फ्री, 10 रुपए में काम हो जाता था। फिर आपने बना ला एक, आपको एक दिन ना ऐसे नैनों में सपना लिए हुए एक सुंदर कन्या दिख गई। कौन दिख गई? सुंदर कन्या भाई, ये सुंदर कन्या है कि कौन सी कन्या है आप समझते रहिए, बस आपको दिख गई एक सुंदर कन्या। फिर आपने क्या किया, ये आप, ये सुंदर कन्या है ना, ठीक है, और ये आप हो, ये आप हो, दोनों ने ऐसे हाथ मिलाए और क्या एक जॉइंट बना लिया, बढ़िया। फिर ये दो हो गए, यहाँ पे हमें कौन मिले थे, आप मतलब वन, यहाँ पे एक ये और एक ये, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, टू, ठीक है। अब ये सुंदर कन्या आपके गले पड़ी, ठीक है, ये सुंदर कन्या आपके गले पड़ी, ये आप और ये आपकी सुंदर कन्या, ठीक है, ये आपकी सुंदर कन्या और ये आपके गले पड़ी, और गले पड़ने के बाद आप दो से क्या हो गए, कल्लू भाई साहब आ गए आपके, दो से तीन हो गए आप, है ना, बढ़िया। तो एक ये, एक आप, एक सुंदर कन्या और एक ये कल्लू भाई साहब, टोटल बोलो तीन। अब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं, एड ऑन करते जा रहे हैं, जिसके वजह से हमें क्या नेचुरल नंबर प्राप्त हो रहा है। एक में
एक जोड़ दिया तो दो मिल गया, दो में एक और जोड़ दिया तो तीन मिल गया, तीन में एक और जोड़ देंगे तो चार मिल जाएगा, चार में एक और जोड़ देंगे तो पांच मिल जाएगा। इसी तरीके से सब में वन 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 ऐड करते हुए हमें क्या मिल गया, नाइन मिल गया। लेकिन हम नाइन पहुंचने के बाद अब क्या आएगा, ये हमें कंफ्यूजन था। तो हमारे आर्यभट्ट साहब आ गए, है ना, तो हमारे आर्यभट्ट साहब आए और उन्होंने जीरो दे दिया। क्या दे दिया, जीरो दे दिया। उन्होंने कहा ऐसा है, वन के पहले जीरो, वन के पहले कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब शून्य, जहां से चले तो वहीं पहुंचे, खत्म बात, शून्य जीरो खत्म। तो अब उन्होंने ये बता दिया, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि नाइन तक ऐसे गए, है ना, नाइन तक ऐसे गए। क्या अब क्या पूरा सुंदर करने और आप मिलके पूरा क्रिकेट टीम बनानी है ना यार, दस तक ही सीमित रहो, बना दो, क्या दिक्कत है हमें। वैसे तो प्रावधान कुछ दूसरा ही चल रहा है गवर्नमेंट का आज तक, है चलो ठीक है। तो यहाँ पे नाइन पे जैसे पहुंचे तो नाइन में अब क्या ऐड करें, नाइन में तो वन ऐड होगा ही होगा, तो अब आएगा क्या, ये परेशानी थी कि नाइन में ऐड करने के बाद वन, हम तो वन ही ऐड करने तैयार है, वन में देखो अब ध्यान से देखना, एकदम सीरीज बनती चली जाएगी और आपको क्लियर होता चला जाएगा। उन्होंने कहा कि चलो जीरो था, जीरो में हमने वन ऐड किया तो हमें क्या मिला, वन मिला। फिर हमने वन पकड़ा और फिर वन में वन ऐड किया तो हमें क्या मिला, टू मिला। ये वाला, ये यहां चला जा रहा है इसे, और फिर इसको यहां लेके आओ, हमने टू में वन ऐड किया तो हमें क्या मिला, थ्री मिला। फिर हमने थ्री को पकड़ा, फिर से थ्री में वन ऐड किया तो हमें क्या मिला, फोर मिला। इसी तरीके से हम कहां तक चले गए, नाइन तक चले गए। तो फिर अगर हम इसे डॉट डॉट जाएंगे और नाइन में वन ऐड करेंगे तो क्या, ये क्वेश्चन मार्क बन गया, ये क्या बन गया, क्वेश्चन मार्क। भाई साहब अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा। फिर आए हमारे आर्यभट्ट साहब, बोले भाई तुम लोगों के बस की बात नहीं है, शांत हो जाओ, हम बताएंगे कैसे होगा। अगर ठीक है सर, आप पढ़े हो बता लो। उनसे मुलाकात हुई, वो आए, बोले देखो जब आप नाइन में वन ऐड करोगे ना तो आएगा जीरो। मैंने कहा ऐसे कैसे, बोले नहीं आएगा जीरो, मान ले बात। मैंने कहा ऐसे कैसे, नहीं बोले आएगा, मान ले। मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो बड़े हो तो भाई सही कह रहे हो, ने मान लिया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे लिख दे वन। मैंने कहा ये क्या बात हुई, यहाँ पे नाइन था, यहाँ पे वन था, आपने नाइन को जीरो बना दिया और वन साइड में लिख दिया, ये कौन सी बात हो गई, गलत बात है। अरे नहीं ये होगा, परेशान नहीं। मैंने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो होगा, मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता चला कि नाइन में वन ऐड करने के बाद क्या आता है, टेन आता है। फिर हमने कहा कि अच्छा टेन में हम वन ऐड करेंगे तो फिर क्या आएगा, बोले अब तो आसान है ना, ये देखिए ये जीरो प्लस वन क्या आया था, वन रख दे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे इन पूरे को हटा के क्या रख दिया हमने, वन, तो क्या मिल गया, इलेवन। फिर अच्छा इलेवन आया, इलेवन प्लस वन, अब क्या आएगा, अच्छा कर पागल है अभी तो करके आ रहा, ये देखना ये वन प्लस वन क्या आया था, वन प्लस वन क्या आया था, अरे चमका, ये होता है भाई साहब नेचुरल नंबर, गेम हो गया आपके साथ, समझ नहीं पाए आप। फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझना, इसी तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे, सीरीज ऐसे बना के दे देगा पागल हो जाओगे। ठीक है चलो, उसने कहा कि अगर जीरो में प्लस वन ऐड करते हो तो आपको वन मिलता है, वेरी गुड। और वन में फिर अगर आप वन, इस वाले वन में इसी वन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, टू। अच्छा इस वाले टू में यही वन फिर ऐड करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, थ्री। इसी थ्री में अगर वन ऐड करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, फोर मिल जाएगा। इसी फोर में अगर हम वन ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फाइव मिल जाएगा। इसी फाइव में अगेन वन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिक्स मिल जाएगा। और इसी सिक्स में अगेन वन ऐड करेंगे तो हमें सेवन मिलेगा।
इसी 7 में अगेन 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और इसी 8 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। अब आती है बात 9 की, और जैसे ही 9 प्लस 1 करते हैं हमें पता चलता है क्या आएगा, क्या आएगा, 0, अच्छा नहीं 10 आएगा। ठीक, अब फिर अब इस 10 को उठा के यहाँ रखो, जैसे ही 10 को यहाँ रखोगे अब क्या करो, 0 प्लस 1 क्या होता है, 1। ये देखो, ये मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। इसकी जगह पे पूरे पे क्या रखोगे, 1, चलो तो 1 1 क्या बन गया, 11। फिर इस 11 को पकड़ो, यहाँ 11 रखा तो अब यहाँ पे फिर प्लस 1 करना है तो दूसरे डिजिट आएगा। अच्छा 1 प्लस 1 क्या होता है भाई साहब, तो हमें पता चला कि यहाँ से 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। बहुत बढ़िया, 12 हो गया। ऐसे हमने 12 पकड़ा, फिर इसमें प्लस 1 किया, 2 प्लस 1 कितना होता है बच्चा, 3 होता है। तो हमने 1 को रखा और फिर 3 को रख दिया। तो अब ध्यान से देखेंगे तो एक बार ये 1 की सीरीज बन रही है, ठीक है, और एक बार पूरे होल नंबर की सीरीज बन रही है। अच्छा ये होल नंबर क्या होता है बताऊंगा अभी, अब इसको मैं एक बार लिख दूं तो पूरा समझ में आ जाएगा आपके। ऐसे 13 प्लस 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या होता है, 4, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये 4। ऐसे 14 प्लस 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, 15 प्लस 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, 16 प्लस 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 17, 17 प्लस 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 एंड 18 प्लस 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, अब फिर 19 प्लस 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 9 प्लस 1 क्या होता है, 0 बताया था, 0 यहाँ लिखो 0। ठीक है, और ये वाला 1 और ये वाला 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 220। अब गौर से देखो, ध्यान से, आपको पूरा पूरा समझ में आना शुरू होगा। पेन का कलर चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं नज़ारा। ये देखो, ये 1 है, ये भी 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ तक 1 1 है। फिर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे क्या रख दो, 2, और फिर क्या रख दो, 0, तो फिर 2 2 2 2 2 2 कहाँ तक जाएगा, 9 तक। फिर 3 3 3 3 कहाँ तक जाएगा, 9 तक। फिर 4 4 कहाँ तक जाएगा, 9 तक। समझ गए, बहुत आसान है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कॉम्बिनेशन। और क्या नेचुरल नंबर, ये सब क्या कहलाएंगे बच्चा, नेचुरल नंबर। अब बताओ, ये ब्रह्मा ने भेजे हैं, ये ब्रह्मा ने भेजे हैं, नहीं हमने बनाया। हमें क्या पता चला, 1 से 9 पता चल गया। आर्यभट्ट साहब आके 0 दे के चले गए, बोले ये लो लड्डू खाओ, और हमने मस्त लड्डू मिला करके कहानी शुरू कर दी। तो ये कहानी हुई हमारे साथ। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे होल नंबर। और हाँ, एक चीज और याद कर लो, नेचुरल नंबर को बुलाने वाला, गुहरावे वाला आवाज जो होता है ना, कहते गुहराते हैं, बुलाते हैं, तो नेचुरल नंबर जो डिनोट किया जाता है वो किससे किया जाता है, कैपिटल एन से। ठीक है, कहीं पे कैपिटल एन लिखा होगा और आपसे बोलेगा ये क्या है, नेचुरल नंबर है। बात समझ में आ गई कि नहीं, ये नेचुरल नंबर है। चलिए हम बात करेंगे होल नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बस इसमें वो आर्यभट्ट साहब आ जाते हैं। तो होल नंबर में सबसे पहले कौन आएगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ऐसे कहाँ तक, जहाँ तक जाना चाहो जाओ, अब कौन रोकता है। तो आर्यभट्ट साहब ने दे दिया ना लड्डू, खाओ, इसके भी कॉम्बिनेशन बनते हैं एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। हमने 0 लिया, 1 लिया, हमने इसको राइट साइड रखना है, फिर हमने क्या रखना है, राइट साइड रखना है। तो ऐसे ये सब क्या आएंगे, होल नंबर आएंगे, पूर्ण संख्या आएंगे।
किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यही इतना आज पढ़ाना था, यही इतना समझाना था। नेचुरल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल नंबर को हम डिनोट कर देते हैं, बहुत आसान तरीका है होल नंबर को डिनोट करने का। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, होल नंबर हमारा हो जाता है कैपिटल W से, ठीक है। तो अब इस पे डिपेंडेंट जो प्रॉब्लम्स थी कि हाँ नेचुरल नंबर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगी, और होनी भी चाहिए भाई। नहीं हुई ना तो इसे खोपड़ा पटको फिर, क्योंकि सरल है थोड़ा सा, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आसान है कि नेचुरल नंबर बनता कैसे है। वन से वन, वन से मतलब जीरो से वन, फिर वन से टू, फिर और हाँ एक चीज़ और बता दूंगा, अभी कोई ये मतलब पूछ लेना कि वन से टू के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं, ये हम लोग ज्योमेट्री में बात करेंगे। लेकिन हाँ ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वन से जीरो से वन के बीच में कितने पॉइंट होते हैं, ठीक है। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ये याद रखना। अब ये कैसे आता है ये हम लोग ज्योमेट्री में देखेंगे, ज्योमेट्री बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज मतलब एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो एकदम बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखा करो बे, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है एक बार मैसेज आया उसका टंग से पॉपअप होता है ना, आए आंखों में चमक, अभी तक तो पागल हो रहे थे सर का लेक्चर पे, नहीं बे तो वो मैसेज ना ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करो, उसको ऐसे रहने दिया करो, अनरीड, देखो देखो ही नहीं, इग्नोर मारो, इग्नोर, ठीक है। नहीं तो फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं आएंगे ना, वो भी इग्नोर मारेगी, ठीक है। तो होशियार हो जाओ थोड़ा सा, हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में, और ढंग से पढ़ेंगे भाई, है ना। एक मतलब उसे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे क्या बताएं सर यही तो आ गया पेपर में, यही पढ़ के नहीं गए थे, नहीं ये वाला नहीं होना चाहिए। दुनिया का कोई भी पेपर देने जाओ एप्टीट्यूड से नहीं रुकना चाहिए क्वेश्चन, बस मेरा उद्देश्य ये है ना। अरे कम से कम किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो ना, तो कम से कम इसलिए देख लिया करो वीडियो, तुम्हारा थोड़ा सा बुद्धि, ये जो ऊपर ऊपर वाला महिला है ना, ये थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना। कहीं पे खड़े हो जाओ, नहीं अच्छा एक वीडियो मैंने देखा, शॉर्ट वीडियो में देख रहा था, ऐसे स्वाइप अप कर रहा था, कभी कभी देखते हैं लगे रहते हैं, तो कभी कभी देख रहा था। तो उसमें क्या हुआ, तो एक वो गजब का वीडियो था, तो उसमें क्या था कि एक लड़की थी, वो शॉप पे कुछ खरीदने गई। अब उसमें उस लड़के जो शॉप कीपर था उसने बोला कि उससे कुछ लिया, एप्पल वेप्पल कुछ लिया, उसके बाद वो बोली कि कितना हुआ, तो वो बोला 79। अब वो कह रही, उस मन में सोच रही कि यार 79 तो मुझे पता ही नहीं है ना, अब ये कहाँ जनरेशन जा रही है यार, बोली 79 तो मुझे पता नहीं है, ऐसा करते हैं कुछ और ले लेते हैं, तो फिगर आउट होके 100 रुपीज के आसपास आ जाएगा। फिर उसने क्या बोलते हैं कि कुछ और लिया, तो उसने बोल दिया 89। अब उसका दिमाग खराब, फिर उसने कुछ और लिया तो फिर कुछ और हो गया, फिर कुछ और लिया, तो उसका फिगर आउट हो ही नहीं पा रहा था। तो ये प्रॉब्लम है। तो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना तो कम से कम सब्जी तो खरीद पाओगे भाई, खरीदने का नहीं, बीवी बहुत मारेगी, समझ गए ना। चलो ठीक है, अरे मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब से कर लिया ना यार, गंदी चीज़ें हैं सब, गुरु दक्षिणा मांगता हूँ मैं, तो उसका काम ही यही, बस तुम सब्सक्राइब कर दो, बस सब्सक्राइब करके वीडियो पर कमेंट कर दिया करो भाई, मज़ा आया, नहीं आया ना तो फिर बताना, कुछ और सोचेंगे, कुछ और तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, है ना, ओके।